हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण जो है देखेंगे वीडियो, जो कि बिहार का संक्षिप्त इतिहास है, जो कि ये पीरियड वाइज है, यानी कि जो शासन काल है उसके अनुसार है ये। तो पूरा एक तरह से जब से बिहार का शासन शुरू हुआ है, मुख्य जो प्रमुख वंशों का रहा है वो पूरा देखेंगे आप, और एक क्रम में नाम रहेगा, ठीक है। और कुछ जो तिथि है दोस्तों, क्योंकि इतिहासकार कई कई इतिहासकार हैं और अपने अपने अंदाज में इतिहास उन्होंने लिखा है, तो हो सकता है कहीं डेट में अगर मतलब किसी और किताब में कुछ और, कुछ किसी और किताब में कुछ और होता है, लेकिन ये एक तरह से प्रमाणिक है, ठीक है, जो सभी जगह मान्य है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं गलती होगा कहीं भी मिलाने से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का संक्षिप्त इतिहास, पहले तो 16 महाजनपद और जो कि 6ठी शताब्दी से पूर्व का है, उस समय से देखें कौन कौन सा महाजनपद है, उसकी राजधानी कहाँ है, पहले इस जो पेज में है यही दिखेगा आपको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आप देखने वाले हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, 16 महाजनपद का उल्लेख जो है किन साहित्य में मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बहुत ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो इसमें मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले, और फिर जैन ग्रंथ भगवती, जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है। लेकिन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो एग्जैक्ट 16 महाजनपद के अलावा भी बहुत सारे अन्य नाम है जो कि नहीं है इसमें, लेकिन बौद्ध अंगुत्तर निकाय बहुत निकट का ये है, 16 महाजनपद का उल्लेख इसमें किया गया है। तो सबसे प्रामाणिक बौद्ध अंगुत्तर निकाय है, लेकिन जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र उसमें भी है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। लेकिन नाम कुछ कुछ नाम जो है अलग है। तो ये जब आप पूरा जो विस्तार से पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा इसको, ठीक है। तो खैर देखिए, अब ये महाजनपद है एक तरफ, और राजधानियाँ है सेकंड, जो आप देखेंगे स्लाइड उसमें भी वो आएंगे महाजनपद और राजधानियाँ। चूँकि 16 महाजनपद की बात हो रहा है, यानी कि 16, तो 16 महाजनपद को देखेंगे हम लोग, उसकी राजधानियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला। तो देखिए इसके अलावा ये जो है 16 महाजनपद में जो शक्तिशाली जनपद थे उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मगध है सबसे शक्तिशाली, फिर कौशल है, ठीक है, बज्जी संघ है, अंग है, और ये जो है मतलब कौशल, अंग, मगध, बज्जी संघ और एक अवंती है, ये पांच जो जनपद है सबसे शक्तिशाली थे 6ठी शताब्दी ईस्वी में। लेकिन अंततः जो है मगध ने ये सबको मतलब परास्त कर दिया और सबको अपने अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया मगध ने आखिरकार। तो सबसे बड़ा जो है मगध हुआ 16 महाजनपद में, जिसने पूरे 16 महाजनपद को अपने नियंत्रण में लिया, मतलब ठीक है, और इसके अधीनता ही सब कुछ हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तो काशी, जो आप काशी यानी वाराणसी आप देखते हैं, तो काशी का पहले सबसे शुरू में काशी ही था, वाराणसी का विकास बाद में हुआ है। तो काशी जो कि बनारस का है ये क्षेत्र है, ये छोटा सा और एक स्टेशन भी है। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, ठीक है, वाराणसी, तो वाराणसी थी। और उसके बाद सेकंड कौशल है, ये सब यूपी में है, ठीक है। और बिहार में दोस्तों तीन मुख्य रूप से हैं, एक मगध है, ये मगध है बिहार में, अंग है और बज्जी संघ है। ये जो तीन है ये बिहार के महाजनपद हैं, ठीक है, बिहार के महाजनपद हैं ये। तो बिहार के महाजनपद ये तीन ही हैं, और पांच जो जो मैंने बताया आपको महाजनपद जो शक्तिशाली था, इसमें कौशल, अंग, मगध, बज्जी और अवंती, अवंती नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये पांच महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। देखिए काशी का वाराणसी हो गया, कौशल का हो गया श्रावस्ती, देखिए श्रावस्ती है और अयोध्या है, दो राजधानियां थी। ऐसा क्यों? तो दो दोस्तों ये बंट गई थी, तो
बट जाने के बाद ऐसा हुआ तो उत्तरी जो कौशल था उसकी उत्तरी भाग का जो यानी कौशल का उत्तरी भाग का राजधानी श्रावस्ती था, और सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने जो संदेश उपदेश दिए थे यही श्रावस्ती में ही दिए थे। ठीक है, इस तरह ये इम्पोर्टेंट है, कौशल के श्रावस्ती जो राजधानी था सबसे अधिक उपदेश जो यही उन्होंने दिया है। अब ये अयोध्या वो अयोध्या है जहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, और ये कौशल का जो है दक्षिणी भाग है। ठीक है, दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। अब अंग आइए, अंग देखिए, अंग जो है चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी, और ये भागलपुर मुजफ्फरपुर के जो है मुंगेर वगैरह का एरिया जो है बिहार का वो है अंग का, अंग का क्षेत्र, और अंग की राजधानी उस समय चंपा थी। ठीक है, उसके बाद जो है मगध, मगध यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, वर्तमान में पटना है, और मतलब तो जहानाबाद, गया, नालंदा, ठीक है, नवादा, ये सब सारे क्षेत्र को मिलाकर जो मगध था। ठीक है, और मगध जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था और सबसे शक्तिशाली भी था। सबसे पहले जो मगध का राजधानी था गिरिव्रज, ठीक है, जिसको राजगिरी भी बोला जाता बाद में बोला गया गिरिव्रज को, और गिरिव्रज जो है ये राजगीर में ही स्थित था, पहाड़ी के चारों तरफ से पहाड़ियाँ के बीच में ये राजधानी थी गिरिव्रज। ठीक है, और उसके बाद पाटलिपुत्र बना राजधानी, तो पाटलिपुत्र जो कि गिरिव्रज के बाद सबसे लंबा इतिहास रहा पाटलिपुत्र का, और कई वंशों ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से राजवंश ने बनाया है। और दोस्तों ये जो मगध का क्षेत्र है खासकर पाटलिपुत्र, तो 1000 साल मतलब इतिहास में जो 1000 साल है ना, 1000 साल तक ये राजधानी के रूप में रहा है, पूरे भारत पर राज किया। तो ऐसे भी कहा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सा है, तो ये पाटलिपुत्र ही है, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र है, तो ये गौरव की बात है। उसके बाद खासकर बिहार के लोगों के लिए। अब उसके बाद देखिए ये बज्जी संघ है दुनिया का, मतलब दुनिया का सबसे पहला जो मतलब गणतंत्र वाला जो देश था या राज्य था, तो ये गणतंत्र वाला जो था राज्य, तो ये बज्जी संघ था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यहीं स्थापित किया गया था, बज्जी संघ में 8 संघों का ये समूह था, जिसमें कि मिथिला, जिसका मिथिला का राजधानी या मुख्य स्थल विदेह था। ठीक है, ये मतलब कि विदेह का जो मुख्य स्थल मिथिला था और लिच्छवी का वैशाली था, तो ये दो जो बहुत इम्पोर्टेंट शक्तिशाली 8 जनपद में थे। ठीक है, विदेह और लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थे। और उसके बाद देखिए मल है, मल ये कुशीनगर है, ये कुशीनगर यूपी का देवरिया जिला है, और मल्लों की जो है एक शाखा जो है बिहार में जो नालंदा में पावापुरी है, जहाँ पर मतलब उनका भी वहाँ भी शासन था। तो ये देव कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ है मल्लों की दरबार, राज दरबार में। उसके बाद जो है जो पावापुरी का मल्ल था, मल्ल थे वहाँ पर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए उनका था। ठीक है, यानी कि भगवान महावीर का, वर्धमान महावीर का था, तो जैन धर्म का 24वें तीर्थकर का वहाँ पर उनका जो है देहांत हुआ है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है ये मल्ल। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब देखिए चेदी है, चेदी जो है चेदी सबसे शक्तिशाली जनपद में से थी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। वत्स जो है ये वत्स जो इलाहाबाद का क्षेत्र का है, और कौशाम्बी वहाँ की राजधानी थी वत्स का। और उसके बाद वत्स के बाद कुरु है, कुरु ये दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है कुरु समय, लेकिन 6ठी शताब्दी में ईसवीपूर्व में ये बहुत स्थिति सी कमजोर थी मगध की अपेक्षा, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये इंद्रप्रस्थ वही है जो कि जिसका निर्माण पांडवों ने किया था। ठीक है, पांडवों ने किया था इसका निर्माण। अब पांचाल जो है, पांचाल, ठीक है, ये पांचाल जो क्षेत्र है ये अहिछत्र और काम्पी, अहिछत्र इसकी दो राजधानियाँ थी पांचाल की, अहिछत्र जो कि पांचाल का उत्तरी पांचाल का राजधानी या भाग की राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की का जो भाग था उसकी राजधानी थी कांपिल्ले। तो दो राजधानियाँ थी पांचाल का। उसके मत्स्य है,
मत्स्य राजस्थान का ये क्षेत्र है जहाँ मतलब उसकी राजधानी विराट नगरी थी। तो मत्स्य जो है राजस्थान, राजस्थान का ये, राजस्थान में ये है क्षेत्र। फिर सूरसेन है, सूरसेन का राजधानी मथुरा था, मथुरा तो आप जानते ही हैं। अस्मक जो है, अस्मक ये पोटन या पाटन कहते हैं इसकी राजधानी को। अवंती जो है एमपी में कहीं है ये क्षेत्र, और अवंती में ये उज्जैनी है इसकी उत्तरी भाग की जो राजधानी है, उत्तरी भाग की अवंती को उत्तरी दो हिस्सों में बटा है, ठीक है। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बटा, क्यों बटा। लेकिन आप यहाँ जाने कि अवंती की दो राजधानियाँ थी, उत्तरी राजधानी जो उसकी उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो है महिष्मति। ये दोस्तों ये वही महिष्मति है जो बाहुबली 1-2 को पार्ट करके आया है। तो ये महिष्मति वही है, हालांकि उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी महिष्मति वाकई में। अब देखिए गांधार है, गांधार तो आप जानते ही हैं, अब पाकिस्तान में चला गया ये क्षेत्र। तो ये इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और विष्णुगुप्त यानी कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं चाणक्य, यहीं के शिक्षक थे तक्षशिला के ही। उसके बाद ये कम्बोज है, कम्बोज का जो है हाटक है, ठीक है, हाटक है राजधानी। तो ये थे 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ, कुछ विशेष बातें। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो हर्यक वंश और इसका शुरुआत जो हुआ था 544 से 44 ईस्वी से जो है 412 ईस्वी का ये शासन काल है इसका, ठीक है। कहीं कहीं 545 भी रहता है, लेकिन मेन यही है 544, तो कहीं कहीं 500 जो है 45 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो खैर देखिए यही जो है, लेकिन जो प्रमाणित यही है। अब इसके बाद देखते हैं आगे कि क्या क्या मतलब कौन, ये कौन कौन से वंश के शासक हैं मुख्य रूप से। तो देखिए अब इस हर एक वंश की, हर एक एक्चुअली दोस्तों एक मैंने लिखा नहीं है, मतलब बताया नहीं, कुछ बातें जो है सब बातों को नहीं लिखा जा सकता। तो हर एक वंश के पहले एक बृहद्रथ वंश था, और बिहार के सबसे पहले जो सम्राट थे बृहद जो है राजा बृहद थे, और उनके पुत्र जरासंध जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे, उन्होंने एक कत्र किया था पूरे मतलब। तो ठीक है, बृहद्रथ वंश था और जरासंध उसके सबसे प्रतापी राजा था। बिहार के इतिहास में बिहार सरकार भी अपने जो है बिहार सरकार के जो किताबों में है इसका उल्लेख किया गया है। तो हर एक वंश का जो सबसे संस्थापक था, तो ये संस्थापक थे हर एक वंश के, संस्थापक बिंबिसार था सबसे प्रतापी शासक। इन्होंने ही सबसे पहले जो मुख्य रूप से एकत्रित किया और शासन को मतलब बिहार मगध के अंतर्गत जो है कुछ जो महाजनपद था उसको समाहित किया है। तो खैर देखें आगे, राजधानी इसकी गिरिव्रत थी सबसे पहली राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र बना है। बिंबिसार जो है, बिंबिसार का जो शासन काल है 544 से 492 ईस्वी पूर्व है। फिर अजातशत्रु का शासन काल जो है 492 ईस्वी से 460 ईस्वी का है। उदयन का शासन काल है जो कि इसने ही पटना को स्थापना किया था, हालांकि अजातशत्रु ने एक सैनिक छावनी के रूप में एक किला बनवाया था पाटलिपुत्र पटना में, और उदयन ने जो है इसकी स्थापना किया था गंडक और पटना के गंगा नदी के संगम पर। तो 464 से 444 का ये शासन काल है इनका। फिर उदयन के कुछ उत्तराधिकारी थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिनका शासन काल 444 से 412 ईस्वी तक का था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो शिशुनाग वंश है, देख शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी तक इनका शासन रहा है, और संस्थापक किसके हैं, शिशुनाग वंश ही है, ठीक है। तो सब एक दूसरे को मारकर और सत्ता को हथियाते गए हैं ये लोग। और राजधानी यहाँ है पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी पाटलिपुत्र था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने जो बार बार जो ये क्या हुआ कि इसने उत्तर उत्तरी मतलब कि जो बजी संघ था उससे लड़ाई लड़ने के लिए शिशुनाग ने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया था। और शिशुनाग का जो शासन काल है 412 से 395 ईस्वी। उसके बाद काला शोक है, काला शोक ने वापस जो राजधानी को वैशाली से पटना यानी पाटलिपुत्र लाया, एक्चुअली काला शोक हाँ लाए थे, लेकिन ठीक है लाए थे। और ये
395 366 ईस्वी का इनका शासनकाल है, और इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है, अजातशत्रु के समय पहला हुआ था। तो देखिए अजातशत्रु जो है इनके समय में ही हुआ था, 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति जो काला शोक के समय में हुआ था, ठीक है, काला शोक के समय हुआ था। अब नंदीवर्धन जो है ये इसका शासन काल 366 से 344 ईस्वी का है। इसके बाद है नंद वंश की शुरुआत होती है 344 से 322 ईस्वी में। कमजोर शासक था नंदीवर्धन, वर्धन तो हुआ या कि महापद्मनंद ने उसको सत्ता से हटा दिया, और नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्मनंद और अधानी पाटलिपुत्र ही है। वापस महापद्मनंद ने जो है महापद्मनंद ने 344 से 324 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया है। और ऐसे इसके तो कई शासक थे नंद वंश के, लेकिन ठीक है, जैसे कि महापद्मनंद के बाद पंडुक आए हैं, फिर पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविश्नाक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। तो धनानंद ने जो भी सत्ता हथियाया है अपना, अपने ही वंश के जो शासक थे उनसे अंतिम शासक यही है धनानंद है, और सबसे शक्तिशाली शासक था। तो 324 से 322 ईस्वी का ये इनका रहा है, ठीक है, 2 साल का ये इनका क्रम है धनानंद का। तो उसके बाद देखिए मौर्य वंश की शुरुआत होता है। तो मौर्य वंश जो कि इसका इनका शासन है 322 से 185 ईस्वी पूर्व, सबसे लंबा है, बहुत लंबा है यह इनका शासन काल। और इसमें इसके संस्थापक मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। राजधानी वापस पाटलिपुत्र ही है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका शासनकाल था 322 से 298 ईस्वी पूर्व। फिर बिंदुसार का शासनकाल था 298 से 272 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासनकाल जो है 272 से 332 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब दशरथ, देखिए दशरथ जो है अशोक जो है शुरू में तो लड़ाई बहुत करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने धम्म नीति को अपना लिया, ठीक है, धम्म नीति को अपनाया और दशरथ को जो है धार्मिक कार्यों में जोड़ दिया, बौद्ध धर्म के धार्मिक जुड़े बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनको बहुत ज़्यादा इनका योगदान है दशरथ का। और 232 से 224 इनका शासनकाल रहा है। फिर अब इनके बाद के जो दशरथ के बाद के जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बृहद्रथ का नाम हमेशा आता है। तो बीच के जो ये शासक है संप्रति, इनका शासनकाल 224 से 215, शालिस्युक जो है इनका 215 से 202 ईस्वी पूर्व। फिर देवबर्मन जो है यहाँ ईस्वी पूर्व है, ठीक है, यहाँ ईस्वी पूर्व है, तो 202 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद देवबर्मन का जो है 202 से 195 ईस्वी पूर्व। अब शतधनुष है तो 195 से 187, तो ये संप्रति तक तो ठीक है, शालिस्युक देवबर्मन इतना नाम नहीं इनका लिया जाता है इतिहास में, और क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, बृहद्रथ के बारे में पूछा जाता है, जो कि 187 से 185 ईस्वी पूर्व में ये इनका शासनकाल रहा था। और मौर्य वंश का अंत हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। अब अंत जो किया था वो चूंकि बृहद्रथ जो थे कमजोर थे, तो ब्राह्मण वंश, देखिए थोड़ा सा यहाँ जान लें, शुंग वंश की सत्ता उसके बाद स्थापित हुई थी। तो एक ब्राह्मण वंश है, ब्राह्मण वंश में 3 वंश जो है ब्राह्मण वंश में थे, जो और जो कि बिहार में 185 से 185 ईस्वी पूर्व से 60 ईस्वी पूर्व तक शासन इन्होंने किया है। और पहला है कि शुंग वंश है, तो शुंग वंश जो 185 से बारी बारी से हम लोग देखेंगे 75 ईस्वी पूर्व तक है। फिर कण्व आए, कण्व के बाद यानी मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व को सातवाहन आए, तो फिर 75 से कण्व है 30 ईस्वी पूर्व, और सातवाहन जो है ये 60 ईस्वी पूर्व तक, 60 ईस्वी पूर्व में ही आए। अब देखिए शुंग वंश के बारे में जानते हैं हम लोग, देखते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो कि 185 से 175 ईस्वी का ये के बीच का इनका अवधि है। संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, तो ये सेनापति थे, और बृहद्रथ की जो है उन्होंने हत्या, उनको सत्ता से हटा दिया, हत्या कर दिया, और जो सत्ता अपनी स्थापित की, राजधानी वो बनाया पाटलिपुत्र को, और बाद में विदिशा भी बनाया गया, बनाया उन्होंने मध्य प्रदेश में विदिशा। फिर पुष्यमित्र सिंह जो है ये इनका शासनकाल 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी का है। उनका यही पुत्र है अग्निमित्र शुंग जो है 148 से 140 ईस्वी पूर्व के बीच का शासन है, और ये इम्पोर्टेंट है अग्निमित्र पुष्यमित्र सिंह, इनको ध्यान देंगे। फिर बसु ज्येष्ठ हैं, बसुमित्र हैं, इनके शासनकाल के बारे में उतना पता नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, उल्लेख नहीं किया गया इतिहास में। फिर अब देखिए देवभूति के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि
85 से 75 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया है सुंग वंश में। अब ठीक है, ये आखिरी है। उसके बाद कन वंश आते हैं जो कि 75 से 30 ईस्वी पूर्व तक शासन इन्होंने किया है। संस्थापक हैं इनके कन वंश के वासुदेव। वासुदेव का जो समय है 75 ईस्वी से 66 ईस्वी पूर्व। उसके उनके बाद भूमिपुत्र हैं, भूमिमित्र हैं जो कि 66 से 92 ईस्वी पूर्व में है। फिर नारायण है 92 ईस्वी से 40 ईस्वी पूर्व तक। फिर सुशर्मा है 40 से 32 ईस्वी पूर्व का बीच का समय है। ये कण्व का यही यही प्रमुख राजा थे। अब आइए आगे देखते हैं। अब गुप्त, देखिए गुप्त दोस्तों याद, ये शुरुआत होता है जो कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच का है। तो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम और संभवतः राजधानी है पाटलिपुत्र। एमपी का भी नाम लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में भी है, तो संभवतः ऐसा इतिहासकारों में तो विश्व विवाद है, ठीक है, लेकिन पाटलिपुत्र आप लेकर चलेंगे इसको। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का ये शासन काल है 320 से और 335 तक। 320 में जो है ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। हालांकि उसके बाद 320 ये गुप्त वंश का शुरुआत है, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है 335 से 375 ईस्वी तक। उसके बाद रामगुप्त हैं कमजोर शासक थे 375 से 380, 5 साल के लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य हैं और इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। और नौ इन्हें जो बहुत सारे जो इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। अब है जो कि 380 से 413 ईस्वी का इनका पीरियड है। अब आगे देखते हैं। तो कुमार गुप्त जो है महेंद्र आदित्य हैं, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य हैं, महेंद्रादित्य जो इन्होंने ही नालंदा महाविहार की स्थापना किया था 415 से 455 ईस्वी का इनका शासनकाल है। फिर स्कंद गुप्त है और 455 से 467। फिर पूर्व गुप्त आते हैं 468 ईस्वी से 476 ईस्वी। कुमार गुप्त द्वितीय हैं 476 से 477 ईस्वी। बुद्ध गुप्त हैं, बुद्ध गुप्त 477 से 495 ईस्वी। अब नरसिंहवालादित्य हैं, इनका इनके समय में जो है बिहार सत्ता जो है बट गया था, जो कि मगध, मालवा और बंगाल में बट गया था। तो मगध का जो है मगध में राज यही कर रहे थे नरसिंहगुप्त। बालादित्य मालवा का क्षेत्र जो भानुगुप्त को यहीं से चला गया था और बंगाल का क्षेत्र वैन्यगुप्त के हिस्से में चला गया था। सब स्वतंत्र इन्होंने अपने आप को मतलब कि बांट लिया था इस तरह से, तो तीनों का अलग अलग हो गया था। अब कुमार गुप्त द्वितीय हैं 543 ईस्वी इनका शासन है। फिर विष्णुगुप्त है, यानी ठीक है नहीं लिखा है लेकिन 543 में इनका शासन शुरू होता है। और उसी साल जो है विष्णुगुप्त का है, ये अंतिम शासक हैं गुप्त वंश के, अंतिम शासक जो हैं विष्णुगुप्त हैं और 543 से 550 तक ये हैं गद्दी पर आसीन रहे। उसके बाद देखिए परवर्ती गुप्त वंश का आइए शासक को देखते हैं। तो परवर्ती गुप्त वंश में जो इसके संस्थापक हैं कृष्णगुप्त हैं परवर्ती गुप्त वंश के। और कृष्णगुप्त का जो शासन अवधि है 510 से 525। उसके बाद हर्षगुप्त आते हैं 510 से 525। ये दोनों का चूंकि मिला जुला था इसलिए मिला जुला है, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो 510 से 525 के बीच में कृष्णगुप्त और हर्षगुप्त दोनों हैं। फिर जीवीगुप्त हैं 525 से 555। कुमार गुप्त हैं, इनके बारे में तब पता नहीं है तिथि और एग्जैक्ट। फिर दामोदर गुप्त हैं, फिर महासेन गुप्त हैं, फिर देवगुप्त हैं। तो ये क्रम है कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, गुप्त देवगुप्त। उसके माधव गुप्त हैं 650 ईस्वी में इनकी सत्ता मतलब ये राजा बने हैं। उसके बाद आदित्य सेन है उसी साल 650 से 675 ईस्वी तक ये आदित्य सेन रहे हैं 25 साल तक आदित्य सेन। फिर देवगुप्त द्वितीय हैं, उसके बाद विष्णुगुप्त हैं, क्रम यही है। लास्ट में है जीवित गुप्त द्वितीय, अंतिम शासक हैं परवर्ती गुप्त वंश के, अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय हैं 725 ईस्वी में इन्होंने सत्ता स्थापित की है। अब आइए दोस्तों पाल वंश के बारे में देखते हैं, बिहार में पालों का समय क्या रहा है। तो पाल सबसे पहले पाल वंश का जो स्थापना गोपाल ने किया था, राजधानी मुंगेर था, बिहार का मुंगेर जिला। और गोपाल ने इसकी गोपाल ने जो तो किया ही है, गोपाल का जो शासन काल है 750 से 770। फिर धर्मपाल है, धर्मपाल ने जो है गोपाल ने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने जो है ये जो तो भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने स्थापना किया था। और 200 गांव का जो है
जागीर दिया था और नालंदा महाविहार के लिए, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर देवपाल हैं, फिर 810 से 850 ईस्वी, फिर विग्रहपाल हैं 850 से 855 ईस्वी, फिर लास्ट में जो है नारायण पाल हैं, और भी हैं नारायण पाल जो है नारायण पाल हैं 854 से 900, ये 854 से 908 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। अब आगे देखते हैं इसी वंश से जुड़े हुए कुछ खास और, तो राज्यपाल हैं इनका, इनका शासन अभी वाले पता नहीं है। फिर गोपाल द्वितीय आते हैं 908 से 928 ईस्वी, फिर विग्रहपाल द्वितीय हैं, इनका भी तिथि नहीं पता है। और महीपाल जो है इस वंश का द्वितीय शासक थे, द्वितीय संस्थापक थे महीपाल, ठीक है, गोपाल वंश के द्वितीय संस्थापक थे महीपाल थे, इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखिए। देखेंगे इनका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी, यानी 1038 में फिर से गोपाल पाल वंश की स्थापना हुआ फिर से नए सिरे से। फिर जयपाल हैं 1038 से 1055, विग्रहपाल हैं 1055 से 1070, महीपाल हैं 1070 ईस्वी से इनका शुरुआत है। राम पाल जो संभवतः जो है अंतिम शासक हैं पाल वंश के, और ये जो प्रमुख हैं 1011 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। अब इसके बाद भी कुछ उत्तराधिकारी रहे हैं जिनका जो है प्रभाव नहीं रहा है। तो रामपाल के उत्तराधिकारी में कुमार पाल हैं, गोपाल तृतीय हैं, मदन पाल हैं, मोटा मोटी 1161 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, लेकिन अंतिम जो मजबूत शासक थे रामपाल ही थे। तो अब आइए आगे देखते हैं, तो मिथिला कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी बिहार से रिलेटेड है ये, और इनमें जो है शासकों क्रम पूछा गया, परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न पूछा गया है, इसके संस्थापक कौन थे, तो नन्नयदेव थे था ये प्रश्न आया। राजधानी के बारे में आया, तो सिंहरावगढ़ था, तो मिथिला की राजधानी था सिंहरावगढ़। परीक्षा में जो पूछा गया है, नन्नयदेव का शासनकाल 1097 ईस्वी, गंगादेव का शासनकाल भी है 1097 ईस्वी, उसके बाद नरसिंह देव हैं, राम सिंह हैं, राम सिंह का 1227 से 1250, फिर शक्ति सिंह है, और हरि सिंह जो अंतिम शासक है मजबूत शासक, तो बीपीएससी में इसके बारे में पूछा गया कि सबसे मिथिला के अंतिम शासक कौन थे, तो हरि सिंह देव थे अंतिम शासक 1278 से 1325 ईस्वी, और मति सिंह है इसके बाद, ठीक है, मति सिंह है, शक्ति सिंह है, और श्याम सिंह ये प्रमुख शासक थे। तो दोस्तों यही तक इस तरह बिहार का संक्षिप्त इतिहास समाप्त होता है, अवधि और शासकों क्रम और कुछ और फैक्ट के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, और ठीक है लाइक करना नहीं भूलें, और जो है शेयर करें कम से कम 3 लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले प्लीज़, और लाइक करना नहीं भूलें, प्लीज़ लाइक। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद।